ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रामेश्वरम मंदिर के अनजाने रहस्य। रामेश्वरम या रामानाथ स्वामी मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव और राम को समर्पित है। यह दक्षिणी तमिलनाडु में पंबन या रामेश्वरम द्वीप में राम सेतु पर स्थित है। इतिहास के अनुसार 12वीं शताब्दी के समय पांड्या राजवंश द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विस्तार किया गया था। रामेश्वरम मंदिर के भीतर लगभग 22 तीर्थ है जो भगवान राम के तरकश में रखे तीरों को दर्शाते हैं और इनका नाम विभिन्न देवताओं के नाम पर रखा गया है। विशाल द्वीप मंदिर अपनी भव्यता और विशाल बनावट के कारण हर किसी का ध्यान खींचता है। यह अपने लंबे सजे गलियारों और पतले नक्शी द्वार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है श्रीलंका से विजयी वापसी के बाद भगवान राम ने भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की थी जो माता सीता द्वारा पृथ्वी से बनाया गया था। रामायण में इसका उल्लेख है कि रावण के विरुद्ध युद्ध के समय भगवान राम ने अनजाने में एक ब्राह्मण को मार डाला था। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से हिमालय से बड़ा शिवलिंग लाने के लिए कहा था। जब हनुमान जी समय पर नहीं पहुंच सके तो माता सीता ने स्वयं रामलिंग का निर्माण किया। दूसरा लिंग जो हनुमान जी द्वारा लाया गया था वह विश्वलिंग कहलाया था। विश्वलिंग की पूजा पहले हो यह परंपरा भगवान राम द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने यह निर्देश दिया था क्योंकि वह हनुमान जी द्वारा लाया गया था जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। हमारे ज्योतिर्लिंग के बारे में और अधिक वीडियो आने वाले हैं तो उनके बारे में जानने के लिए हमारे ज्ञान गंगा चैनल से जुड़े रहे और उसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग नित्य दर्शन फेसबुक पेज से जुड़े रहें।